पवन नारा हमारे संवाददाता इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, नंदीग्राम एक बार फिर सुर्खियों में और अब तो साख की लड़ाई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आज ऐलान किया है, बंगाल चुनाव सचमुच दिलचस्प होने वाला है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि नंदीग्राम से उनके संघर्ष की शुरुआत हुई थी और वो सत्ता तक पहुंची थी। आज नंदीग्राम में जाके सुवेंदु अधिकारी को सीधे चुनौती दी है। आपको बता दें कि सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधायक हैं। उनके गृह जिले में विधानसभा क्षेत्र में जाकर ममता बनर्जी का ये ऐलान करना कि वो भवानीपुर के अलावा नंदीग्राम से भी लड़ेंगी, सबसे दिलचस्प घोषणा इसे कह सकते हैं। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहली बात ये कि सुवेंदु अधिकारी जिस तरीके से पूर्वी और पश्चिमी उस मिदनापुर इलाके में प्रभाव रखते हैं, 35 सीटों का इलाका है, और अगर उस इलाके में सुवेंदु अधिकारी खुद सेंध लगा पाने में कामयाब होते तो ये टीएमसी के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती थी। लेकिन अब ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम में जाकर चेकमेट करने की कोशिश कर रही हैं ताकि सुवेंदु अधिकारी को सिर्फ नंदीग्राम विधानसभा तक सीमित किया जा सके और उन्हें चुनौती दी जा सके। दूसरा नज़रिया ये है कि जो उनके खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा टीएमसी से बीजेपी में आया था उसे सीधे चुनौती देना दिखाता है कि ममता बनर्जी अब भी संघर्ष से पीछे नहीं हट रही है। इस घोषणा को सीएम की ये सभा आज बहुत मायने में खास, यहाँ से हमेशा शुभेंदु अधिकारी का परिवार जीतता आया है, अब शुभेंदु अधिकारी का रोड शो कहाँ पर होगा क्योंकि वो भी ममता के गढ़ में जा रहे हैं उन्हें चुनौती देने के लिए। जी बिल्कुल, दक्षिण कोलकाता में टॉलीगंज से लेकर हावड़ा मोड़ तक, ये हाजरा मोड़ तक ये रोड शो है जिसके बाद रैली है। ममता बनर्जी ने जो चुनौती दी है वो ज़रूर अधिकारी के दिमाग में होगी, शुभेंदु अधिकारी उसका जवाब भी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज ममता के मंच पर शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई जो कि टीएमसी के सांसद हैं वो मौजूद नहीं थे, और अब देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी जब दक्षिण कोलकाता में आज अपने ज़िले के अध्यक्ष, क्या कहें, राज्य के अध्यक्ष के साथ सभी बड़े नेताओं के साथ जब मार्च करेंगे और उसके बाद भाषण देंगे तो शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं उस पर निगाहें होंगी, क्योंकि चुनौती ममता बनर्जी की तरफ से दी गई है और अब जवाब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आएगा। चलिए नजर बनाए रखें पवन, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर यह है कि अब नंदीग्राम से